नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजा तरीन खबरों की। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, पीएम मोदी आज 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। आज नई दिल्ली में होगी भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता। नितिन गडकरी आज रखेंगे 262 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना की आधारशिला। पेट्रोल और डीजल पर फिर बढ़ सकती है एक्साइज ड्यूटी। महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज होकर पीडीपी के 3 नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीट काउंसलिंग 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगा शुरू। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस न्यूज बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटेंगे। जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोन बांटने के इस कार्यक्रम के दौरान वे लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। आज नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होने वाली है। जहां भारत और अमेरिका के बीच हो रही 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टीएस पर कल भारत पहुंचे हैं। नीट काउंसलिंग के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। जहां मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने इसका पूरा शेड्यूल mcc.nic.in पर जारी कर दिया है। त्रिपुरा में एक साथ 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जा रही है। जहां आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 262 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना की आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि करीब 2800 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सड़क परियोजना के जरिए त्रिपुरा का सड़क संपर्क देश दुनिया के साथ काफी बेहतर हो जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि उपचुनाव को लेकर यूपी में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। यूपीएससी द्वारा जारी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 40 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। जहां सीपीएम पोलित ब्यूरो ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीटों के समझौते गठबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि अब 30 और 31 अक्टूबर को सीपीएम सेंट्रल कमेटी इस पर मुहर लगा देगी। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की कंजूसी से नाराज है। इसी बीच भारी भरकम रकम पर बैठी सरकारी कंपनियों से अगले साल के लिए पूंजी खर्च में 50% तक बढ़ोतरी करें। इस साल हुई वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणाम को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने सवाल उठाए थे, जिसको लेकर वायुसेना ने कहा है कि परिणाम प्रक्रिया की ईमानदारी और शुद्धता की दोबारा जांच की गई है और इसमें कोई विसंगति नहीं पाई गई है। महाराष्ट्र में प्राइवेट लैब में किए जाने वाले कोरोना टेस्ट की दरों को एक बार फिर उद्धव ठाकरे सरकार ने संशोधित किया है और इसमें लगभग 200 रुपए की कटौती की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब प्राइवेट लैब में अब RT-PCR टेस्ट के लिए केवल 980 रुपए तय किए गए हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के पीएम नरेंद्र मोदी के आदेश पर डिजिटल प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कहा था कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आती है उसे प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोजन की तरह एक सिस्टम बनाने पर काम किया जाए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारत आए अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 वार्ता आज होने जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोजपा उम्मीदवार मृणाल शेखर के समर्थन में पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने लोजपा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 15 साल तक बिहार को ठगने का काम किया है। साथ ही चिराग बोले कि उनकी सरकार बनने पर शिक्षा सहित सभी व्यवस्थाएं बिहार में दुरुस्त की जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं द्वारा एक दूसरे को घेरने का सिलसिला जारी है। जहां इसी कड़ी में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और राजद दोनों को घेरा और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है वही कट्टरपंथ को प्रायोजित कर बढ़ावा दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का समय कल समाप्त हो गया। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होने जा रहा है, जिसको लेकर बिहार में चुनावी सरगर्मियां इन दिनों जोरों पर है। कांग्रेस द्वारा वीडी सावरकर की आलोचना पर चुप्पी के लिए भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद शिवसेना ने पलटवार करते हुए पूछा कि भाजपा ने पूर्व हिंदुत्व विचारक को अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना की सहयोगी है।
उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले के बकाया किराए के मामले में पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निशंक के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। असम के शिक्षा और वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी के प्रसिद्ध श्रीमंत शकरदेव में रहने वाले मुसलमानों के लिए संग्रहालय स्थापित करने के कांग्रेस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि शकरदेव कला क्षेत्र असम की संस्कृति का केंद्र है और उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। तमिलनाडु में नीट काउंसलिंग में 50% ओबीसी कोटा की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बता दें कि एआईडीएमके ने मेडिकल एडमिशन 2020-21 के लिए ओबीसी का 50% आरक्षण कोटा लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ सकता है। दरअसल सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार एक बार फिर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो सरकार 3 से 6 रुपए प्रति लीटर तक एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा सकती है। भाजपा नेता इमरती देवी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी की पृष्ठभूमि में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को मानसिक रूप से दरिद्र बताया है और दावा किया कि उनकी शब्दों की दरिद्रता से सूबे की सियासी साख खराब हुई है। छत्तीसगढ़ में सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की, जहां इस बैठक में जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ आबकारी नीति समेत अन्य योजनाओं में संशोधन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस दौरान राज्य सरकार द्वारा फैसला किया गया कि प्रदेश में किसानों को इस वर्ष धान की तीसरी किस्त देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूर्व के राजनीतिक साथियों को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं, जहां इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सिंधिया ने राज्य में सबसे बड़ा गद्दार करार दिया है। सिंधिया ने सोमवार को कहा कि मुझे कांग्रेस तब छोड़नी पड़ी जब हर संभव प्रयास करने के बाद भी लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वैशाली के महुआ में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने जनता की सेवा की है और न्याय के साथ विकास किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज उनकी पार्टी के 3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पीडीपी नेता टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन एफ ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे पीडीपी को काफी झटका लगा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को एलजेपी नेता चिराग पासवान पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के वक्त कुछ लोग षड्यंत्र करके एनडीए में सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन एनडीए एकजुट है और हमें सेंध लगाने वालों से सावधान रहना होगा। यूपी के रामपुर से हमारे संवाददाता शानू खान बता रहे हैं कि यूपी के रामपुर में मिशन शक्ति अभियान के पहले चरण के आखिरी दिन महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और नारी सुरक्षा का संदेश दिया। आपको बता दें कि इस रैली में रामपुर जिले के डीएम एसपी सहित अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। यूपी के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा जनपद के सुगरा में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पूजा अर्चना कर कोरोना के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। यूपी के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि संभल के गुन्नौर कोतावली क्षेत्र के बरवाला राजघाट पर आरती का महा आयोजन किया गया, जहां इस दौरान पहुंची बदायूं की सांसद संघमित्रा मौर्य ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सांसद संघमित्रा मौर्य ने पंचायत के द्वारा कराए गए पथ विद्युत निर्माण कार्य का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर छतरपुर से हमारे संवाददाता हेमंत श्रीवास बता रहे हैं कि विद्युत विभाग के निजीकरण होने के बाद लोगों में एक विश्वास और आशा थी कि विद्युत सप्लाई नियमित और अच्छे तरीके से होगी, लेकिन लवकुश नगर में विद्युत व्यवस्था बदतर स्थिति से गुजर रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी सुबह की ताजा तरीन खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की तमाम फायदेमंद और बड़ी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट। नमस्कार।